देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। श्रावस्ती जनपद में बीते 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के साथ नेपाल के पहाड़ों से पानी आने से राप्ती नदी एक बार फिर डराने लगी है। नदी का जलस्तर लाल निशान को छू रहा है। बाढ़ की आशंका से तटवर्ती गांव के लोग सहमे हुए हैं। सिरसिया ब्लॉक के फतेहपुर गांव में पहाड़ी नाले का पानी घुसने से लोगों ने छत पर शरण ली है। ज़िले में 3-4 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कभी दिन में तो कभी रात में बारिश हो जा रही है। इस दौरान चल रही ठंडी हवा से गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लगातार हो रही बारिश के साथ नेपाल के पहाड़ों पर हुई बरसात का पानी राप्ती नदी में पहुंच रहा है। इससे नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। सुबह से ही राप्ती बैराज पर नदी का जलस्तर लाल निशान 127.70 सेंटीमीटर पर स्थिर था, लेकिन रात के 9 बजे 5 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। वहीं शुक्रवार को सुबह जलस्तर 128 पर पहुंच गया, जो खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर अधिक है। शुक्रवार को भी आसमान पर काले बादलों का डेरा है, बारिश की पूरी संभावना है। ऐसे में जलस्तर और बढ़ा तो जमनाहा तहसील क्षेत्र के राप्ती नदी के किनारे स्थित अशरफ नगर, वीरपुर, लौकिया, पिपराहवा, हरिहरपुर, करनपुर, गजोबरी, भगवानपुर, पोंदला, पुंदली, शमशेरगढ़, जोगिया, धोबिया समेत लगभग 40 गांव में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। इकौना तहसील क्षेत्र के तटवर्ती गांव पर भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। गांव के लोग नदी की धारा पर नज़र बनाए हुए हैं। बढ़ते जलस्तर को देख प्रशासन की ओर से भी गांव के लोगों को सजग रहने के लिए कहा गया है।